मुद्रा लोन लेने का एक नया सीक्रेट है और मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करते हैं वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे एंड आपको मोबाइल स्क्रीन पे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, साथ में ही चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज इस वीडियो में बात करेंगे कि SBI की जैसे मुद्रा लोन हम अदर बैंक से कैसे अप्लाई करेंगे वो आज जानेंगे। एक नए बैंक से अप्लाई करेंगे, उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया से हम मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करेंगे और इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप भी देखने को मिलेगा कि कौन सी डिटेल हमें कैसे वहाँ पे फिलअप करनी है और कैसे हमें 50,000 रुपये का इंस्टेंट लोन लेना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर आपके जो भी क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर लेना। जो भी अपडेट होती है इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, इससे आपको सबसे पहले पता चल जाता है कि आपको कौन सा क्या अपडेट कहाँ पे मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया से हम मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सी उसकी साइट है, कैसे हमें डिटेल अपनी फिलअप करनी होगी, सब कुछ अपने मोबाइल स्क्रीन पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करेंगे और अभी चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पे, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ पे आपको लिखना है मुद्रा लोन, बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे नीचे आपके पास ऑप्शन मिलेगा, आपको बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन का एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आएगा और इसकी पूरी डिटेल आपको पहले रीड करनी है, उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद में आपको ऊपर ऑप्शन मिल रहा है स्कीम का और अप्लाई नाउ का, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपनी डिटेल सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे जो आपका बैंकिंग में जो भी नाम है आपका यहाँ पे आपको अच्छे से फिलअप करना है, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है और यहाँ पे अपना नाम है जो यहाँ पे मैं फिलअप कर रहा हूँ, अपने मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे अपनी डिटेल। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा जो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, किस तरह से आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर है जो मैंने अपने हाइड कर दिए हैं क्योंकि एक प्राइवेसी रहती है, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को दोनों को मैंने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, तो आपको इसको अच्छे से देखना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज का एक ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको शिशु लोन का एक ऑप्शन मिलेगा, 50,000 शिशु लोन अप टू 50,000 का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शिशु लोन का, इसको भी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नो करना है नीचे एक्चुअली कस्टमर में एंड यहाँ पे अमाउंट आपको 50,000 रुपये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में अपना स्टेट नेम एंड डिस्ट्रिक्ट एंड अपनी ब्रांच नेम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नीचे एक कैप्चा कोड मिलेगा, वहाँ पे आपको अपना फिलअप करना है और इसको यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड अपना फिलअप कर दिया है और यहाँ से मैं इसको करता हूँ सबमिट। सबमिट के बाद में एक नया इंटरफेस आ जाएगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक आपके पास एक नंबर भी आ जाएगा जो आपका रेफरेंस आईडी नंबर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल मैंने कुछ इस तरह से अपनी फिलअप कर दी है, यहाँ से आपको इसको हमने सबमिट कर दिया है। सबमिट होने के अंदर ये 5 से 6 सेकेंड का टाइम लेगा, ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास एक मैसेज भी आएगा, तो टेक्स्ट मैसेज जैसे ही आएगा सबमिट होगा तो हमारे पास टेक्स्ट मैसेज ऊपर देख सकते हो आप, टेक्स्ट मैसेज मेरे पास आ चुका है एंड यहाँ पे आप लिख रहा है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है 3 डेज के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई भी आपको पास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं, GST ITR वगैरह, और इसके अंदर आपको 50,000 का इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। ये मैसेज आने के बाद में आपके पास एक बैंक से एक कॉल आएगा और कुछ भी नहीं होगा, कॉल आने के बाद में आपकी डिटेल सारी सबमिट हो जाएंगी और आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो टेक्स्ट मैसेज में आया है यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, तो यहाँ से हम रीड करते हैं इस मैसेज को, थोड़ा सा इसमें एक नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर पर हम कॉल भी करके पूछ सकते हैं कि हमारे फॉर्म का क्या स्टेटस है। इसमें 3 डेज लास्ट वर्किंग का बताया जो अपने 3 दिन के अंदर से हमारा कंप्लीट हो जाएगा गाइज। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, साथ में ये चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे शेयर कर देना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।